नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। आज हम कंपेयर करेंगे, मतलब कंपैरिजन करेंगे ये दोनों लेंस का। ये है प्रोज्यूमर की तरफ से कैनॉन प्रोज्यूमर मैक्रो लेंस। यहाँ पे आप देख सकते हो कैनॉन जूम लेंस वगैरह कुछ लिखा हुआ है। ये एक मैक्रो लेंस है, लेकिन ये जो चीज़ है ये कैमरा का मॉडल नेम है, ठीक है। और ये एक लेंस है जो एक एक्सट्रीम लेंस है। ये आता है M10N ब्रांडिंग है इसका, देख सकते हो। लेकिन ये आता है अपना जो निकॉन लेंस है उससे आता है। ये स्पेशली फोकस ट्रैकिंग जो होता है उसमें काम आता है, मतलब जो एक्सट्रीम लेंस है उस हिसाब से ये काम में आता है। तो अगर प्राइस की बात करें तो ये लगभग 3,000 के आसपास आता है। और ये आपको छोटा क्लिप के साथ आता है, इसलिए ये आपको 400 से 500 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। और अगर कैपेबिलिटी की बात करें, मतलब ये किस किस फ़ोन में वो यूज़ हो जाएगा, तो इस पे आपको एक बड़ा वाला जो यूनिवर्सल क्लिप है वो दिया जा रहा है। तो ये किसी भी फ़ोन में इजीली सेट हो जाएगा, ज़्यादा बम्प ना हो कैमरा का वो आप देख लेना, वरना इजीली सपोर्ट हो जाएगा। पिक्सल में भी ये सपोर्ट हो जाता है, पिक्सल 7 में, उसमें तो बहुत बड़ा बम्प है। और ये जो चीज़ है ये पिक्सल में भी सपोर्ट होता है क्योंकि पिक्सल का साइड में कैमरा है। लेकिन ये मोस्टली जो है साइड में कैमरा फ़ोन है उनमें ही सपोर्ट होगा, जिनके बीच में कैमरा होगा उसमें ये सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है, उतना जाएगा नहीं। मैं आपको एक लाइव दिखा देता हूँ कैसे काम नहीं करेगा ये। देखो मेरे पास ये सैमसंग का S10 है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको क्लिप करने की कोशिश करूँ तो मतलब ये जाएगा नहीं उतना, मतलब ये बीच तक उतना जाएगा नहीं, आ जाना चाहिए। सैमसंग के जो पुराने मॉडल्स थे उनमें आते थे, लेकिन इसमें ये एकदम सेंटर पे नहीं आएगा। मतलब देखने में तो लग रहा है कि आ रहा है, लेकिन कैमरा के सेंटर पे नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो यही एक दिक्कत है इस चीज़ का। तो अगर जिस किन के साइड में कैमरा हो वो ईजिली इसको परचेस कर सकते हैं, उनके लिए बेस्ट हो, मतलब उनके लिए बेस्ट है ये। अगर ब्लैक बॉर्डर की बात करें, इसको लगाने के बाद आपको कुछ 1.5 से 2x जितना ब्लैक बॉर्डर मिल जाएगा। मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। एक सेकेंड, ये वीडियो मोड में कुछ ऐसा आपको एक इंटरफेस मिलता है। आप वीडियो मोड में 1.3 या 4 पे पूरा जो बॉर्डर है वो रिमूव कर सकते हो। मैं आपको इस फुल पे फोकस करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हो ये है इसका आउटपुट, फुल फ्रेम फोटोज लेता है। एक सेकेंड, तो ये ऐसे शॉट्स आपको दे सकता है। फोटो मोड में आपको 1.7 या 8 में जो ब्लैक बॉर्डर है वो पूरा रिमूव हो जाएगा। ये स्पेशली जो बड़ा फ्रेम है उसके लिए मेड है। अभी मैं उस लेंस के आपको दिखाता हूँ एक्सट्रीम लेंस किस काम में आता है। और अगर इस लेंस की बात करें तो ये किस काम में आता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो फ्लावर है हम इसके जो बीच में है इस पर फोकस करने की कोशिश करेंगे, फिर दिखाते हैं आपको कि कैसा आउटपुट आता है। तो मैं अभी वीडियो मोड में हूँ, लेंस को लगाने के बाद कुछ ऐसा एक इंटरफेस आता है। मैं यहाँ पे 1.6 या 1.7 जितना जूम कर लूँगा। एक सेकेंड, हाँ, तो फिर मैं इस फ्लावर पे फोकस करने की कोशिश करूँगा। एक सेकेंड, तो आप समझ सकते हो दोनों लेंस किस काम में आते हैं। ये है एक्सट्रीम लेंस का जो पावर है वो है, एकदम हाई मैग्निफिकेशन पे आप फोटोज़ इसके साथ ले पाओगे। आप देख सकते हो कितना जो माइन्यूट डिटेल्स हैं वो भी यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। अभी लो लाइट है, वो बादल है ऊपर, इसलिए वो नॉइज़ ज़्यादा है इसमें, लेकिन नॉर्मल डे लाइट्स पर आपको अच्छे खासे शॉट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। अगर मैक्सिमम फोकल डिस्टेंस की बात करें तो इस लेंस से आपको लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर जितना जो मैक्सिमम फोकल डिस्टेंस है वो मिल जाएगा। और अगर मिनिमम की बात करें तो इस लेंस से आपको जो 2 से 3 सेंटीमीटर जितना जो मिनिमम फोकल डिस्टेंस है वो मिल जाएगा। मतलब इस लेंस से आप जो मतलब जो बड़े ऑब्जेक्ट हैं उनका भी शॉट्स ले पाओगे, जो छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं उनका भी शॉट ईजिली आप इस लेंस से ले पाओगे। अगर इस एक्सट्रीम लेंस की बात करें तो ये स्पेशली आप देख सकते हो सेप जो है इसका, ये हाई मैग्नीफिकेशन के लिए ही बना है। मतलब इस पर 2-3 लेयर है जो लेंस का, बुलेट का। तो ये स्पेशली मतलब क्लोजअप के लिए है। तो इसका जो भी मैक्सिमम मिनिमम फोकल डिस्टेंस है वो 1.5 से 2 सेंटीमीटर के बीच पे ही है। मैं दो ज़्यादा बोल रहा हूँ, 1 से 1.5 सेंटीमीटर आप पकड़ लो उसके हिसाब से है। ये स्पेशली फोकस ट्रैकिंग में यूज़ होता है क्योंकि यही एकमात्र लेंस है जिससे आप बहुत सारा एरिया जो है उसको कवर या कैप्चर जो है वो कर पाओगे। तो इसका मिनिमम और मैक्सिमम फोकल डिस्टेंस अगर एवरेज पकड़ ले तो ये आपको 1.5 से 2 सेंटीमीटर जितना दे देगा। तो दोनों की जब साइड बाय साइड कंपैरिजन कर रहे हैं तो देख सकते हो साइज में कितना डिफरेंस है दोनों लेंस का, ये कितना बड़ा है ये कितना छोटा है। ऐसे बहुत सारे एक्सट्रीम लेंस जो हैं वो अपने पास अवेलेबल होता है, जिनको जो जैसा चाहिए वो आप DM करना इस नंबर पे या हमको मैसेज करना, तो उस हिसाब से बात करके आपको जो भी लेंस रिक्वायर्ड होगा हम दे देंगे आपको। अगर आउटपुट की बात करें तो ये क्या कर सकता है, ये लेंस इसको पूरा कवर कर सकता है, लेकिन ये एक्सट्रीम लेंस क्या करेगा इसके बीच के जो चीज़ है उन पर फोकस करेगा। मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। तो लेंस को लगाने के बाद समझ लीजिए मैं यहाँ पर लेंस को प्लग कर रहा हूँ। अभी क्या करूँगा, अच्छे से फिक्स करने के बाद 1.4 जूम कर दिया। अभी आप देख सकते हो ये कर रहा है अपना जो कैनन लेंस है, लेकिन अभी जो एक्सट्रीम लेंस है वो कैसा करेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एक्सट्रीम को लगाने के बाद कुछ मैं आप क्लोज जाने की कोशिश कर रहा हूँ और दिखाता हूँ आपको। तो अब जो आउटपुट है उसमें आप डिफरेंस देख सकते हो,
तो दोस्तों दोनों लेंस का एक छोटा सा कंपैरिजन मैंने किया है ताकि आपको एक स्लाइड सा जो है वो आइडिया मिल जाए। दोनों लेंस का साइड बाय साइड आप जो सैंपल शॉट्स है वो आप इन्जॉय कर सकते हो, मैं दे रहा हूँ। किसी का भी फुल रिव्यू वीडियो अभी तक आया नहीं है, आएगा तो आपके चैनल पर मिल जाएगा। तब तक के लिए अलविदा। इसका कॉस्ट है 500 रुपये, इसका है आपका 3000 रुपये, 3 से 3200 जो भी है आप डील फाइनल कर सकते हो। ये लेंस 5 पीस है, उससे ज़्यादा नहीं है। किसी को भी चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जो लिंक है नंबर है वहाँ पे आप इजीली चेकआउट कर सकते हो। तब तक के लिए अलविदा, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो पर।